बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट। माय नेम इज़ राना मोहम्मद राशिद, आई एम योर इंग्लिश टीचर। डियर स्टूडेंट, टुडे 14 सितंबर 2021 में क्लास 10th इंग्लिश में आज का ये लेक्चर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एन एम्बोडीमेंट ऑफ जस्टिस यूनिट नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 3 और 4 की ट्रांसलेशन करेंगे विद वर्ड मीनिंग। डियर स्टूडेंट, इस पैराग्राफ 3 और 4 की ट्रांसलेशन से पहले आइए हम इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं। आपने क्या करना है कि इन मीनिंग को उन कॉपी किताबों पे नोटबुक पर आपने नोट करना है और पेंसिल का इस्तेमाल करना है। पेन का इस्तेमाल आपने हरगिज़ नहीं करना, पेंसिल का इस्तेमाल करना है और नीट एंड क्लीन करके बेटा आप लोगों ने लिखना है। तो हेड सरबरा, मेरिट इस्तेकाक, इक्विटी बराबरी, क्रीड अकीदा, रेस नस्ल, गिल्टी मुजरिम, ऑफ स्टीलिंग चोरी की, ऑनर इज्जत, इंटरसीड सिफारिश करना, फ्यूरियसली गजबनाक होकर, रुइन तबाह हुए, सरमन खुतबा, पॉइंटेड इशारा किया, एंसेस्टर्स अबाव अजदाद, अपील दरख्वास्त, हैंग फांसी दें, रिवेंज बदला। डियर स्टूडेंट, दीज वर्ड मीनिंग्स आपने क्या करने हैं कि इन वर्ड के मीनिंग्स को अपनी नोटबुक पर आपने पेंसिल के साथ नीट एंड क्लीन करके लिखना है। अब हम ट्रांसलेशन की जानिब बढ़ते हैं, तो अपनी अपनी किताबें जो है वो खोल लीजिए। पैराग्राफ नंबर 1 है, एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना ही डिसाइडेड ऑल केसेस ऑन मेरिट विद जस्टिस एंड इक्विटी इरेस्पेक्टिव ऑफ कलर क्रीड और रेस। रियासत मदीना के सरबराह की हैसियत से उन्होंने तमाम मुकदमात का फैसला रंग अकीदे और नस्ल से बालातर होकर अदल और इंसाफ की इस्तेहकाक की बुनियाद पर किया। हमने देखा कि जब मैं उर्दू की ट्रांसलेशन करता हूँ और उर्दू के फ़िक्रे का इख्तिताम वर्ब पर करता हूँ, तो आपने भी ऐसे ही ट्रांसलेशन बेटा करनी है। वंस अगेन मैं कर रहा हूँ कि रियासत मदीना के सरबराह की हैसियत से उन्होंने तमाम मुकदमात का फैसला रंग अकीदे और नस्ल से बालातर होकर अदल और इंसाफ के इस्तेहकाक की बुनियाद पर किया। वंस अ कुरैश वुमेन वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ स्टीलिंग, एक मर्तबा कुरैश की खातून चोरी की कसूरवार पाई गई या मुजरिम पाई गई। सम पीपल वॉन्टेड टू सेव हर फ्रॉम पनिशमेंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ द फैमिली ऑफ द कुरैश, कुछ लोग कुरैश के ख़ानदान की इज्जत को बचाने के लिए उसे सजा से महफूज रखना चाहते थे। दे आस्क हज़रत उसामा बिन जैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु टू इंटरसीड ऑन हर बिहाफ, उन्होंने हज़रत उसामा बिन जैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दरख्वास्त की कि वो उनकी तरफ से सिफारिश करें। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिक्वेस्टेड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू फॉरगिव हर, हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि वो उन्हें माफ़ कर दें। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी फ्यूरियसली सेड, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़बनाक होकर कहा, बनी इसराइल वाज रून बिकॉज ऑफ दिस, इसी वजह से बनी इसराइल वाले तबाह बर्बाद हो गए थे। दे अप्लाइड लॉ टू द पुअर एंड फॉर गेव द रिच, वो गरीबों पर कानून लागू करते और अमीरों को माफ़ कर देते थे। पैराग्राफ नंबर 4, ड्यूरिंग द सरमन एन अंसारी सीइंग सम मैन फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बनू सालबा सिटिंग देयर स्टूड अप एंड पॉइंटेड टू वर्ड देम एंड सेड, ओ रसूल ऑफ अल्लाह,
their ancestors killed a member of our family. खुतबे के दौरान एक अंसारी ने कबीले बनू सालबा के कुछ लोगों को वहाँ बैठे हुए देखकर उठ खड़ा हुआ और उनकी जानिब इशारा करते हुए कहा, या रसूल अल्लाह, इनके अब्बा अजदाद ने हमारे ख़ानदान के एक वर्द को कत्ल कर दिया था। वी अपील टू यू टू गेट वन ऑफ देम हैंग्ड इन एक्सचेंज फॉर डेट। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि उसके बदले में उनमें से एक को फांसी दें। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि उसके बदले में उनमें से एक को फांसी दें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, द रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, बाप का बदला उसके बेटे से नहीं लिया जा सकता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, बाप का बदला उसके बेटे से नहीं लिया जा सकता। डियर स्टूडेंट्स, ये यूनिट नंबर 1, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एन एम्बोडीमेंट ऑफ जस्टिस। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजस्मे इंसाफ, जो कि यूनिट नंबर 1 है, उसके पैराग्राफ नंबर 3 और 4 की ट्रांसलेशन थी विद वर्ड्स मीनिंग्स के साथ। आप इन लेक्चर्स को बार बार आप लोगों ने देखना है बेटा और समझना है। ट्रांसलेशन में जो बुनियादी बात होती है, जो कि मैंने गुज़िश्ता लेक्चर में भी आपको बताया था कि आपने क्या करना है, कि इंग्लिश और उर्दू का जो डिफरेंस है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसको मद्देनज़र रखना है। इंग्लिश में एंड पर जो है वो आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट आता है, जबकि ऑन द अदर हैंड उर्दू में आपने क्या करना है कि वर्ब को जो है वो एंड पर लेकर आना है। आप इस लेक्चर को बार बार सुनें, समझें ट्रांसलेशन को। अगर किसी किस्म की भी दिक्कत का आपको सामना जो है वो करना पड़ रहा हो, तो आप व्हाट्सएप पर मुझसे जो है वो रابطہ कर सकते हैं। किसी वक्त भी मैं ऑनलाइन पर जो है हर वक्त दस्तियाब होता हूँ। इंशाल्लाह फिर दोबारा जो है वहाँ पर आपसे मुलाकात होगी, और किसी किस्म के सवाल की जो है आपके जहन में आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।